हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस पॉइंट मोमेंटम करेगी, किस स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर मार्केट को अपनी गैप अप हो तो क्या करें, गैप डाउन हो तो क्या करें, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस साइड मोमेंटम करेगी, इन सारे टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेट्स सी, अभी कल मार्केट का, कल निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, तो यहाँ पर देखेंगे मार्केट का मोमेंटम क्या हो सकती है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर कल क्लियर डिस्कशन किया था, 45,250 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 45,250 का लेवल ब्रेक डाउन किया तो मार्केट 45,000 के पास में सपोर्ट ले सकती है। बट आज मार्केट 45,000 का भी लेवल ब्रेक डाउन किया और मार्केट ने जो लो लगाया है 44,755 का लो लगाया, तो 2,500 पॉइंट और फॉल कर गई हमारे लेवल से, 500 पॉइंट और ड्रॉ डाउन हो चुका। आज मार्केट जो टोटल यहाँ पर लगभग 750 पॉइंट का ड्रॉ डाउन हुआ था, फिर यहाँ पर डे एंड में लगभग 200-250 पॉइंट का रिकवरी कर गया। अभी हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या हो सकता है, यहाँ पर देखेंगे मार्केट ने 3 दिन पॉज लिया, आज ट्रेंडिंग हो चुका है। कल में भी यहाँ पर वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले यहाँ पर मोमेंटम कर चुका, लास्ट में अपसाइड का भी थोड़ा सा मूव किया है, तो यहाँ पर अप एंड डाउन दोनों तरफ का मूव हो चुका है। यहाँ पर वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले मार्केट ट्रेंडिंग हो चुका है, तो कल में भी यहाँ पर हो सकती है एक पॉज कैंडल हमें देखने के लिए मिले, मे बी एक ग्रीन हो सकती है, या फिर इस तरीके से यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनते हुए मिले, या फिर रेड कैंडल यहाँ पर बनता हुआ मिले। लेकिन कल ट्रेंडिंग हम लोग प्लान नहीं कर सकते, 250-300 पॉइंट के रेंज में मार्केट अप एंड डाउन करते रहेगा, तो बहुत बड़ा ट्रेंड हम लोग प्लान नहीं कर सकते। ट्रेंड में तभी जाएगा जब मार्केट यहाँ पर ये जो बड़ा ये स्विंग बना हुआ है 44,650 का लेवल, 650-500 का लेवल ये ब्रेक डाउन करेगा, तो इसके नीचे एक बड़ा ट्रेंड हो सकती है। बट इसके लिए मार्केट आज ऑलरेडी 45,500 से ब्रेक डाउन किया है, से मार्केट ने आज लो लगाया 44,750 का लो लगा, तो लगभग यहाँ पर 700-800 पॉइंट का ड्रॉ डाउन हो चुका है। तो वन फ्लो में मार्केट जब भी अप या डाउन मोमेंटम करती है 1,000 पॉइंट का लगभग मोमेंटम करती है। आज यहाँ पर 800 पॉइंट का मूव कर चुका है, कल 200 पॉइंट और डाउन साइड हम लोग प्लान कर सकते हैं, फिर इसके बाद 1,000 पॉइंट रैली के बाद अगर अप भी मूव करिए तो 1,000 पॉइंट 1,100 पॉइंट रैली के बाद एक 500-600 पॉइंट का करेक्शन होती है। डाउन साइड मूव किया यहाँ पर 800 पॉइंट मूव कर गया तो 200 पॉइंट और मूव करेगा, हो सकती 200-300 पॉइंट मूव कर जाए, 44,500 का सपोर्ट बना सकती है, फिर यहां से 500 पॉइंट 600 पॉइंट का यहां पर थोड़ा सा उछाल लेगा, तो ए पॉइंट हम लोग मार्क करेंगे यहां पर 800 पॉइंट। वन फ्लो में यहां पर ब्रेक डाउन कर चुका है, थोड़ा सा 100-200 पॉइंट और डाउन फॉल करेगा, फिर इसके बाद उछाल के लिए हम लोग प्लान करेंगे, तो परफेक्ट लेवल को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होने देंगे, इसके बाद हम लोग ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। 44,500 कल हमारे लिए सपोर्ट पॉइंट हो सकती है। अभी हम लोग 15 मिनट कैंडल में देखेंगे कल एग्जैक्टली हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या हमको होना चाहिए। ओपनिंग प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत बड़ा कल हम लोग को ट्रेड प्लान नहीं करनी है। आज हमारा ट्रेड बहुत बड़ा ट्रेड निकल चुका, यहाँ पर हम लोगों ने बहुत अच्छा ट्रेंड कैप्चर किया। जैसा कि मैं बार बार बोलती हूँ, जब भी गैप अप एंड गैप डाउन ओपन हो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल बनाया, फिर यहाँ पर लगातार 2-3 पॉज कैंडले बनाए, इसकी फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का लो का ब्रेकडाउन किया, बहुत ही जबरदस्त मूव किया, जैसा कि हमारा टारगेट था 45,000 का, 45,000 के पास से यहाँ पर थोड़ा सा फियर भी क्रिएट किया, बायर्स की यहाँ पर इंटरेस्ट दिखी, बट फाइनली बायर्स की यहाँ पर एसएल कटी और इसके नीचे और मार्केट यहाँ पर 250 पॉइंट का फॉल कर गया, तो यहाँ पर साइकोलॉजी लेवल के पास से कहीं ना कहीं बायर का इंटरेस्ट दिखा, यहाँ पर सेलर के लिए फियर क्रिएट किया, बट यहाँ पर एसएल नहीं गया। यहाँ पर ये सेल होगा जितने लोगों ने 45,000 के नीचे सेल किया होगा, 250 के नीचे सेल किया होगा, तो 45,000 का सपोर्ट बना, यहाँ पर थोड़ा सा उछाल लिया, फिर वन फ्लो में भी अच्छा मोमेंटम दिया, 250 पॉइंट वन फ्लो में ब्रेकडाउन कर गया, और यहाँ पर भी जब ये ब्रेकडाउन किया तो 250 पॉइंट और फॉल कर गया। यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट का आज का जो उछाल हो चुका है 45,000 के पास में उछाल ले चुका है, पहले सपोर्ट था अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा 45,000 का लेवल, तो यहाँ पर हमारा जो ट्रेड प्लान होना चाहिए, मार्केट यहाँ पर उछाल ले चुका है तो अभी मार्केट अगेन यहाँ पर 15 मिनट का रेड कैंडल प्लान बना चुका है। कल अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है, ये जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है 44,875 का लेवल, इसके नीचे क्रॉस करते ही हम लोग को सेल करना है, क्लोजिंग के लिए वेट नहीं करना है, क्योंकि अभी हमें लोअर लो फॉर्मेशन मिल चुका है। यहाँ पर साइकोलॉजी लेवल को जो पहले यहाँ पर सपोर्ट था अभी ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो जैसे यहाँ पर 45,000 के पास यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल भी बना चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं रिजेक्शन कैंडल
बना चुकी है। फ्लैट ओपनिंग के बाद यहाँ पर फर्स्ट इंट्री हम लोग को होना चाहिए 950 को, जैसे ही क्रॉस करेगा हम लोग सेल करेंगे। टारगेट यहाँ पर 44,775-800 का टारगेट होना चाहिए। तो इजिली यहाँ पर हम लोग को 200 पॉइंट का स्पेस मिल रही है, 200 पॉइंट मूव करेगा, हो सकती है मे भी इसको फॉल कर जाए और इधर आकर के सपोर्ट ले 44,450-500, ये सारे सपोर्ट एरिया बन सकती है। तो यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग के बाद जैसे ही इस रेड कैंडल के लो का ब्रेकडाउन करेगा हम लोग सेल करेंगे। बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाती है, सपोर्टेड मार्केट अगेन 45,250 के पास में ओपन हो गया, तो फिर इसी फ्लो में ब्रेक नहीं करेगा, फिर यहाँ पर हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन के लिए वेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर सपोर्ट पे ओपन हुआ था इस लेवल के नीचे शार्प सेलिंग देखने के लिए मिला, अगर अगेन 250 के पास में ओपन होती है तो यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस पैटर्न बनने देना है। 15 मिनट कैंडल बनने के लिए वेट करनी है। 15 मिनट कैंडल किस तरीके से बना रही है, रेड कैंडल बना करके यहाँ लो को ब्रेकडाउन दे रही है, तो फिर हम लोग सेल के लिए प्लान करेंगे। अगर ग्रीन कैंडल बनाती है तो हम लोग बाइंग के लिए थोड़ा सा तभी प्लान करेंगे जब इसके ऊपर आज का जो डे हाई है इसके ऊपर हायर हाई फॉर्मेशन बनाएगा, तो ही हम लोग यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। बट यहाँ पर रेड कैंडल बना दिया तो हम लोग डेफिनेटली यहाँ पर सेल करेंगे, बट ग्रीन कैंडल में कंफ्यूजन होगा, बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे, बस वेट करेंगे कि फिर किस तरीके से यहाँ पर कितना उछाल लेती है, फिर कहाँ से रिजेक्शन कैंडल बनाती है और फिर सेलिंग आती है। तो हम लोग यहाँ पर कल गैप अप ओपनिंग के बाद बाइंग नहीं प्लान करनी है, बस एक रिजेक्शन कैंडल मिलनी चाहिए, रेड कैंडल मिलनी चाहिए, लो का ब्रेकडाउन करेगा, सेल करेंगे। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, सपोर्टेड मार्केट डायरेक्ट 44,700-750 के नीचे ओपन हो जाती है, इसके नीचे 5 मिनट रेड कैंडल क्लोज कर जाती है, तो फिर सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट हम लोग यहाँ पर जो होना चाहिए 44,500-450 का टारगेट होना चाहिए। गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग दोनों ही केस में सेल करनी है, फ्लैट ओपनिंग में भी हमें सेल करनी है। बाइंग हम लोग तभी प्लान करेंगे जब प्राइस एक्शन दिखने लगेगा, 250 के ऊपर अगर प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट करती है, जो आज का ब्रेकडाउन लेवल है इसके ऊपर हायर हाई फॉर्मेशन इस तरीके से बनाने लेने लगती है, तो हम लोग यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अभी सेल में प्राइस एक्शन के लिए नहीं देखना है, सेल में प्राइस एक्शन बन चुकी है, बट जैसे ही स्विंग लो का ब्रेकडाउन करते जाएगा हमें सेल करनी है, या फिर उछाल के बाद जैसे 200-250 पॉइंट का उछाल लिया, रिजेक्शन कैंडल बनाया, सेल करेंगे, क्योंकि अभी सेल का पैटर्न बन चुकी है। अभी बाइंग का पैटर्न बनेगा, इस तरीके से हायर हाई फॉर्मेशन बनाएगा, बाइंग का पैटर्न बनेगा, तो फिर हम लोग को यहाँ पर बाइंग के अभी पैटर्न बनने के लिए वेट करना। बाइंग का पैटर्न नहीं बना, मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, तो इसलिए जब भी उछाल लेगा सेल करेंगे, स्विंग लो का ब्रेकडाउन करेगा, जैसे प्रीवियस स्विंग तोड़ेगा सेल करेंगे, बट बाइंग के लिए प्राइस एक्शन मिलना चाहिए। बाइंग के लिए जब तक हायर हाई फॉर्मेशन नहीं बनाएगी हम लोग बाइंग के लिए प्लान नहीं कर सकते। आई होप इस सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे, यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, एंड डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दे। अभी हम लोग चलिए निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी का क्या सेंटीमेंट है। डेली कैंडल में यहाँ पर देखेंगे, हम लोगों ने क्लियर डिस्कशन किया था निफ्टी में कि जैसे ही 700 का लेवल ब्रेकडाउन होगा एक जबरदस्त फॉल देखने के लिए मिलेगा। 700 का लेवल डायरेक्ट मार्केट यहाँ पर ओपन हो गया 650 के नीचे, इसके नीचे जैसे 5 मिनट ट्रेड कैंडल क्लोज किया एक बहुत ही जबरदस्त का मोमेंटम देखने के लिए मिला, 19,425 का लो लगा है, 225 पॉइंट का यहाँ पर डाउन फॉल किया है। अभी हम लोग 15 मिनट कैंडल में देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पर 5 मिनट का रेड कैंडल बना, ये देख सकते हैं रेड कैंडल बना, लो का ब्रेकडाउन किया, मार्केट जबरदस्त यहाँ पर डाउन फॉल किया है, 425 का लो लगा है, 225.1 वे मोमेंटम किया, कहीं पे भी फियर क्रिएट नहीं किया है। यहाँ पर थोड़ा सा फियर बना रहा था 500 के पास से, साइकोलॉजी लेवल था, तो यहाँ से थोड़ा सा प्राइस एक्शन, यहाँ पर थोड़ा मार्केट रेंज में ट्रेड किया, यहाँ पर उछाल कर लिए, कोई प्राइस एक्शन नहीं बनाया, रेंज में रेंज बनाया, फिर इसके बाद डाउन फॉलो किया और एक जबरदस्त का मूव किया। जहाँ से प्रीवियस स्विंग ब्रेकडाउन लेवल है यहाँ तक मार्केट उछाल ले चुका है। कल फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपनिंग के बाद जैसे ही यहाँ पर 500 का लेवल अगेन ब्रेकडाउन करती है, 19,495-490 के नीचे हम लोग को सेल करनी है। फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 19,420-425 का होना चाहिए, अगर इसको फ्लो में ब्रेक कर देती है तो फिर यहाँ पर हम लोग को जो टारगेट होना चाहिए 19,350 का टारगेट होना चाहिए। बट इम्पोर्टेंट है कल फ्लैट ओपन होते ही 500 लेवल का ब्रेकडाउन करेगा, हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे, फ्लो में निकलते जाएगा, यहाँ पर इसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करने वाली है। बट यहाँ पर अगर यहाँ पर फियर दिखाना स्टार्ट करती है, मार्केट यहाँ पर हायर है फॉर्मेशन, रिजेक्शन कैंडल बनाना स्टार्ट
करती हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पर कुछ क्वांटिटी बुक करेंगे या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे ताकि मार्केट हमारे अगेंस्ट में भी जाए, तो हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लॉक कर सकते हैं। बट फ्लो में निकल गया तो भी हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे ताकि हम लोग यहाँ पर और अच्छा पॉइंट्स कैप्चर कर पाएं। जैसे जैसे मार्केट चलता जाएगा हम लोग पॉइंट्स कैप्चर करते जाएंगे। बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाती है या गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, हमें थोड़ा सा प्राइस पैटर्न के लिए वेट करना है, एटलीस्ट 15 मिनट कैंडल बनने देना है, इसके बाद ही हमें ट्रेड के लिए प्लान करनी है। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। चलिए अभी हम लोग स्टॉक देख लेते हैं कल के लिए। उससे पहले आज के स्टॉक का मोमेंटम देखेंगे। पहला स्टॉक था यूनाइटेड स्पिरिट्स, यहाँ पर देखेंगे बहुत ही जबरदस्त का फॉल किया, 1015 का लेवल ब्रेकडाउन किया और 986 का लो लगा हम, मतलब यहाँ पर 25 पॉइंट का लगभग 25 से 26 पॉइंट का यहाँ पर मोमेंटम कर चुका है, लगभग 1:5:6 का टारगेट दे चुका है। नेक्स्ट स्टॉक था टाटा कम्युनिकेशन, बहुत ही जबरदस्त फॉल किया, जैसे ही यहाँ पर 1745 का लेवल ब्रेकडाउन किया मार्केट 1705 का लो लगा है, लगभग 40 पॉइंट का मोमेंटम दिया, यहाँ पर भी 1:5 का टारगेट दिया है। नेक्स्ट स्टॉक था बजाज फिनसर में भी देखेंगे बहुत ही जबरदस्त का फॉल किया, 1575 का लेवल ब्रेकडाउन किया और मार्केट ने जो लो लगा है 1525 का लो लगा है, पूरे 50 पॉइंट का डाउनफॉल किया है, तो यहाँ पर लगभग 1:7 का टारगेट दिया है। नेक्स्ट स्टॉक था भारत फोर्ज, यहाँ पर देखेंगे हम लोगों ने यहाँ पर बाय एंड सेल दोनों के लिए प्लान किया था कि अगर हाई को ब्रेक करेगा बाय करेंगे, लो का ब्रेकडाउन करेंगे सेल करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे मार्केट ने 925 का लेवल यानी कि डाउन साइड का लेवल ब्रेकडाउन किया और बहुत ही जबरदस्त फॉल किया, 895 का लो लगाया, 35 पॉइंट का यहाँ पर डाउनफॉल किया है, 1:7 का टारगेट दिया, बहुत ही शानदार मोमेंटम रहा। आज सारे स्टॉक बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस किए हैं। चलिए कल के लिए स्टॉक देखते हैं। पहला स्टॉक है हिंद पेट्रो, हिंद पेट्रो में देखेंगे यहाँ पर एम पैटर्न बना चुका है, ये ब्रेकआउट लेवल था उसी पॉइंट पर अगेन ट्रेड कर रही है, कल फ्लैट ओपनिंग के बाद जैसे ही यहाँ पर 274 का ब्रेकडाउन करेगा हम लोग सेल करेंगे, 1 से 1.25 रुपए का स्टॉप लॉस टारगेट 1:2 प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कंकर, यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट ने कम्प्लीटली एक रेंज क्रिएट किया हुआ है, मे बी रेंज का यहाँ पर ब्रेकडाउन हो सकती है या फिर यहाँ पर पॉज कैंडल बना दे, बट हमारा लेवल जब भी क्रॉस करेगा हम लोग सेल करेंगे, 674 के नीचे सेल करेंगे, 3 रुपए का स्टॉप लॉस टारगेट 1:2 प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पर सेंचुरी टेक्स्ट में देखेंगे एक अच्छा खासा यहाँ पर मूव कर चुका है, अगेन थोड़ा सा यहाँ पर रिट्रेसमेंट आने का चांस है तो हम लोग रिट्रेसमेंट के लिए ही प्लान करें, 1025 के नीचे हम लोग सेल करेंगे, 5 रुपए का स्टॉप लॉस टारगेट 1:2 1:3 प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक, ये बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, यहाँ पर देखेंगे तो सारे प्रीवियस जो स्विंग बने हुए थे यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम में एम पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर एम पैटर्न बड़े टाइम फ्रेम में बनता हुआ दिख रहा है, प्रीवियस स्विंग ब्रेकडाउन होते हुए दिख रहा है, मे बी यहाँ पर अगर बैंकिंग सेक्टर में उछाल आती तो यहाँ पर भी उछल जाए बट उछाल ले ले, बट अगर यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में गिरावट होती है तो कोटक महिंद्रा बैंक ज्यादा फॉल करेगा, कल हम लोग इसे सेल कर सकते हैं, 1819 के नीचे सेल कर सकते हैं, 7 रुपए का स्टॉप लॉस टारगेट 1:2 प्लान कर सकते हैं, इसका बहुत बड़ा स्पेस है, 1750-60 का यहाँ तक स्पेस है, बट इंट्राडे में इतना फॉल नहीं करेगा, कल हम लोग 1:2 1:3 इजिली प्लान करेंगे, मोमेंटम कर जाएगा। सो आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे, यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।